हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, अपना अपने परिवार का और अपने पौधों का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो मैं लेके आया हूं, ये लाया हूं रोज़ प्लांट के जो केयर है उसके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम गुलाब का पौधा अपने घर बड़े चाव से ख़रीद के लाते हैं कि इसमें फूल लगेंगे ढेरों सारे और हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाएंगे और वातावरण को खुशनुमा करेंगे। तो कई बार ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमारा पौधा जो है ठीक ढंग से ग्रोथ नहीं करता और ना ही उसमें फूल लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूं। फ़िलहाल तो दोस्तों मेरे पौधों के ऊपर भी कोई फूल नहीं लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है ये नर्सरी है और नर्सरी में तकरीबन जिसमें फूल खिलता है रोज़ का रोज़ वो बिकता ही रहता है। तो किसी भी पौधे को हम रोक के नहीं रख सकते, ये हमारी मजबूरी है। पर फिर भी मैं जो जानकारी इसके बारे में है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉरएवर प्लांट्स केयर पे, जिस पे मैं तरह तरह के पौधों के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूं। और आज जो जानकारी है ये उन लोगों के लिए है जो गुलाब का पौधा अपने घर में लगाए हुए हैं या लगाना चाहते हैं, या गुलाब के पौधे को घर में लगाने के शौकीन हैं, जो अलग अलग कलर के अलग अलग वैरायटियों के गुलाब अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खास ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी गुलाब का पौधा अपने घर लेके आते हैं नर्सरी से ख़रीद के, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि नर्सरी वालों से ये जान लें कि ये किस वैरायटी का गुलाब है। दोस्तों, गुलाब की मुख्य दो वैरायटियां होती हैं, एक देसी होता है और एक होता है हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड गुलाब है तो उसका थोड़ा केयर थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, और ये देसी गुलाब है उसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। फिर भी दोस्तों वो 12 महीने फूलों से भरा रहता है। तो दोस्तों, अक्सर तो इंग्लिश गुलाब जो हाइब्रिड गुलाब है उसको बेचते वक्त नर्सरी वाले अपने कस्टमर्स को पूरी जानकारी नहीं देते, जिनकी वजह से उनके पौधों में फूल नहीं लगते, या वो बढ़ता ही रहता है या वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो हाइब्रिड गुलाब होता है वो ग्राफ्टिंग से तैयार होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जितने भी पौधे पड़े हुए हैं सब ग्राफ्टेड गुलाब हैं, यानी कि ये जो टाँणी है, ये जो हिस्सा है गुलाब का, यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसको ग्राफ्ट किया हुआ है। तो जो ये टाँणी है इसी में फूल लगेगा दोस्तों, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो देसी का है, और देसी भी लो क्वालिटी, जो बिल्कुल ही डेड क्वालिटी है उसका, जिसमें फूल नहीं लगता, सिर्फ बढ़ता ही रहता है। तो ये दोस्तों, अगर नीचे से कोई किल्ला अगर फूटा इसमें, जिस तरह से ये मैं दिखाने वाला हूँ, देखिए ये, देखिए दोस्तों ये किल्ला जो नीचे से फूट रहा है, ये अगर चल पड़ा तो ये बढ़ता ही रहेगा और इसमें फूल कोई नहीं लगेगा। काफ़ी 10-12 फुट तक की इसकी हाइट हो जाएगी, फूल कोई नहीं लगेगा, सिर्फ कांटे ही कांटे होंगे। और ये जो टाणी है ये देखिए, ये यहाँ पर जोड़ी हुई है, ग्राफ्टिंग वाला यही हिस्सा है, तो इसी में फूल लगेगा। तो ये जो पौधा आपके सामने पड़ा है, तो ये जो वाटर शूट होती है दोस्तों, ये काटनी पड़ती है इंग्लिश रोज़ प्लांट का या हाइब्रिड गुलाब का या जो स्टैंडर्ड गुलाब होता है उसका, यही प्रोसीजर होता है, यही तरीका होता है। ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, आप अगर हाइब्रिड गुलाब अपने घर में लगा रहे हैं तो। दोस्तों, गुलाब की बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं, बटन रोज़ होते हैं, मिनीचर रोज़ होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, देसी होते हैं, बेल वाले गुलाब होते हैं, स्टैंडर्ड गुलाब होते हैं। दोस्तों, इनके ऊपर मैं जो है अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ सिर्फ केयर के ऊपर है कि पौधे की केयर कैसे की जाए ताकि वो 12 मास फूलों से भरे रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छी हेल्थ के रहें। तो अगला दोस्तों कारण इनके ना चलने का सबसे बड़ा ये है, इसे ठीक ढंग से गमले में ना लगाना। ये पौधा जो गुलाब का होता है 12 महीने चलने वाला पौधा होता है, परमानेंट प्लांट होता है, इसको ज़्यादा मिट्टी मिलनी चाहिए तभी इसको, इसमें जो है ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो। कई लोग इन्हें गमले में लगाते हैं। अब देखिए ये 6 इंच के पॉट में है, क्या लगता है आपको कि कितना फूल देगा? 2 या 4 फूल लगेंगे, इससे ज़्यादा इसमें फूल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिट्टी कम है, पौधा परमानेंट है। परमानेंट कोई भी प्लांट होता है दोस्तों, उसको अगर बड़ा गमला आप नहीं देंगे तो फूल उसमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आप जब भी अपने प्लांट को घर में लाएँ, उसको अपने घर में किसी गमले में अगर लगाना चाहें, तो गमले में जो है गमले की हाइट कम से कम 12 इंच की तो होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज का गमला है तो बेस्ट है, यानी कि 15 इंच हो गया, 18 इंच का गमला हो गया। अगर ऐसे साइज के गमले आपके यहाँ उपलब्ध हैं तो उनमें लगाइए, गुलाब का पौधा बेस्ट तरीके से चलेगा।
सबसे अहम बात दोस्तों, इसे लगाने के वक्त जब आप इसे अपने घर में लगाने जा रहे हैं, तो जिस पॉट में आप लगाएं उसमें आधी मिट्टी और आधी गोबर की गली हुई खाद का होना बेहद ज़रूरी है। कई लोग दोस्तों सिर्फ मिट्टी में ले जाके इसे लगा देते हैं तो ये ग्रो नहीं करेगा। सिर्फ मिट्टी में इसमें फूल ठीक ढंग से नहीं लगेंगे, एक आध लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आप जब भी इसे लगाएं तो 50% मिट्टी, वो भी रेतली, और इसके अलावा दोस्तों 50% खाद गोबर की गली हुई। इसके अलावा दोस्तों फंगस से बचाने के लिए आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है गुलाब के पौधे के लिए। आजकल के मौसम के हिसाब से इसमें फंगस बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको ये काम तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको मिक्स करके आपने उसमें इस पौधे को लगाना है, और इन्हें लगा के दोस्तों आउटडोर रखना है जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती हो। ज़्यादा धूप यानी कि कम से कम आप 4 घंटे की धूप इसको लाजमी ज़रूरी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पड़े, 6 घंटे की 8 घंटे की धूप पड़े तो बेस्ट है, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है, धूप में फूल लगने वाला पौधा है। धूप में फूल खिलेगा, छाया में फूल नहीं खिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि पौधे को किस तरह से गमले में लगाया जाए, तो इसके ऊपर मैं वीडियो को बना चुका हूँ पहले अपने चैनल पे। इस बारे में वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप उसे देखें समझें, उसी तरीके से गुलाब के पौधे को अपने घर में लगाएं। इसके बाद दोस्तों इसकी जो है 3 महीने बाद, जैसे आपने आज लगाया, आज से 3 महीने बाद इसमें खाद देनी पड़ेगी। हर 3 महीने में आपने खाद देनी है। खाद कौन सी देनी है? वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप 6 महीने में DAP डाया भी दे सकते हैं, 5 महीने में, 6 महीने में, पर डाया की मात्रा ज़्यादा ना हो। 12 इंच के पॉट में वही 20-25 दाने बहुत हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल करें तो पूरी वर्मी कंपोस्ट की खाद में भी आप पौधे को लगा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा पौधे को फ़ायदा ही होगा। अगर आप जो है DAP डाया को ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप जो है खाद दें तो वर्मी कंपोस्ट दें, साथ में जो है 2-4 दाने DAP डाया के भी दे सकते हैं। उससे भी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी मात्रा में फूल खिलते हैं। इसके बाद दोस्तों गुलाब की एक और बहुत अहम जो है जानकारी आपको देना चाहता हूं। जो गुलाब का फूल सूख जाता है उसकी टाँणी को भी तोड़ना पड़ता है। यहाँ से जब आप देखें आपके पौधे में सूखी हुई ऐसी डंडियाँ लगी हुई हैं, तो आप उसे तोड़ते रहें, प्रूनिंग करते रहें, जिससे अगला फूल खिलने में आसानी हो पौधों को। इसके अलावा दोस्तों आपने इनकी मिट्टी भी चेंज करनी है। जब आपका पौधा 1 साल का हो जाए, 1.5 साल का हो जाए, आपने इनकी मिट्टी बदलनी है, मिट्टी चेंज करनी है। ये कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, रोज़ प्लांट के ऊपर ही बना रखी है। आप उसे देखें समझें, उसी तरीके से मिट्टी गमले की चेंज करें, बदलें, ताकि पौधा हमेशा आपका फूल देता रहे। इसके अलावा दोस्तों अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी होते हैं और खाद वैसे भी दी जाती है। अगर कोई फंगस वगैरह पड़ती है पत्तों में या जड़ों में, उसके लिए फंगीसाइड भी होते हैं। अगर कोई स्प्रे वाला फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, तो नीम ऑयल का जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही बेस्ट है पौधे के लिए, पौधे की हेल्थ के लिए। आप उसका इस्तेमाल महीने में एक बार कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा हेल्थी रहेगा और रोग मुक्त रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक गार्डनिंग करना जिनका शौक़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।